इस वीडियो में दिख रहे बंदर की हरकत को देखिए, जो मेरठ के एक अस्पताल की लापरवाही का नतीजा है। दरअसल वीडियो में दिख रहा बंदर एक ब्लड सैंपल की किट को पेड़ पर चढ़कर उसे चबा रहा है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ब्लड सैंपल कोरोना वायरस के मरीज का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में अस्पताल प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया। बता दें कि एक बंदर मेरठ मेडिकल कॉलेज के लैब के अंदर घुस आया और लैब टेक्नीशियन के हाथ से जांच के सैंपल छीनकर भाग गया। इसके बाद बंदर पेड़ पर चढ़ गया और किट चबाने लगा। हालांकि लैब में मौजूद मेडिकल स्टाफ बंदर के पीछे सैंपल छीनने के लिए दौड़े तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग टीम को दे दी गई। खबरों की माने तो कोरोना वायरस के मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए मेरठ के LLRM लैब में ले जाया गया था। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SK गर्ग ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि बंदरों के एक समूह ने जो सैंपल लैब टेक्नीशियन के हाथ से छीना, वह कोरोना की जांच के लिए नहीं था, वह सामान्य जांचों के सैंपल थे। वो एक्चुअली जो सैंपल बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे, जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो जिस टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर को चेक के ले गए थे, उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों से निकलवा दिया। सर क्या सैंपल को क्या टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था या टेस्ट हो गए थे? सैंपल के ले जा रहा था, वो कोरोना के टेस्ट नहीं थे, कोरोना के वाले टेस्ट नहीं थे। कोरोना के मरीजों से जो दूसरे टेस्ट होते हैं हमारे जनरल रूटीन टेस्ट होते हैं उनके उनके लिए ब्लड निकाला था उसने, वो लेके जा रहा था सैंपल। सर क्या टेस्टों को खुले में लेके जाया जा रहा था या बक्से में लेके जा रहा था? पैकेट में जा रहा होगा। सर देखिए, ये जो सैंपल जाते हैं कोल्ड चेन में नहीं जाते हैं, ब्लड के सैंपल जाते हैं। जो ब्लड हमारे जो आते हैं ये हमारे जो कोरोना के ऐसे सैंपल होते हैं वो कोल्ड चेन में जाते हैं, वो बक्से में जाते हैं, ये बक्से में नहीं जाते हैं। सर जिस तरीके से बंदरों का सैंपल को ले जाना हुआ, अगर यदि ये कोरोना के सैंपल होते तो क्या कोरोना बंदरों में भी कोरोना फैल सकता था या कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए अभी तक ऐसा कोई हमारे पास साइंटिफिक वो नहीं है जिसमें लिखा हो कि बंदरों को ये कोरोना फैल सकता है। हालांकि बंदर के भागने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि कहां सैंपल से बंदर संक्रमित न हो जाए और इससे इलाके में संक्रमण न फैल जाए। वहीं वन विभाग के लिए उस बंदर को चिन्हित करना मुश्किल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक बंदर कोरोना मरीजों के सैंपल लेकर भाग गया। मेरठ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है और लापरवाही का आलम देखिए। खैर सरकार इस पर भी नया झूठ लेकर आएगी। बता दें कि मेरठ जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 पहुंच गई है, इसमें 296 स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा जनपद में 26 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और अब 78 केस एक्टिव हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।